आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, तो हमारे पास एक सवाल आया है। सवाल में दिया, गिव द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, यानी कंपाउंड्स का आईयूपीएसी नेम देना है। तो आईयूपीएसी नेमिंग के कुछ सिंपल रूल्स हैं जो मैं पहले बताना चाहूंगा। नेम करने से पहले वो रूल्स होते हैं कि सबसे पहले अब लोग जब भी नेमिंग शुरू करते हैं, सबसे पहले फाइंड करते हैं, फाइंड लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। हमें सबसे लंबी कार्बन चेन पहले ढूंढनी होती है। उसके बाद आइडेंटिफाई साइड चेन एंड फंक्शनल ग्रुप्स, साइड चेन और फंक्शनल ग्रुप्स आइडेंटिफाई करें। उसके बाद प्रायोरिटाइज फंक्शनल ग्रुप। प्रायोरिटाइज फंक्शनल ग्रुप का मतलब हमें एक प्रायोरिटी ऑर्डर पहले से पता होता है फंक्शनल ग्रुप का, तो हम उस हिसाब से उसको प्रायोरिटी हमें अपने मन में बैठानी याद होनी चाहिए कि इस फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ज्यादा है, ताकि हम डिसाइड कर सके कौन सा साइड चेन का हिस्सा होगा, कौन सा मेन चेन का हिस्सा होगा। उसके बाद स्टार्ट नेमिंग फ्रॉम हाईएस्ट प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप, फ्रॉम हाईएस्ट प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप, यानी हाईएस्ट प्रायोरिटी की जो फंक्शनल ग्रुप है वहां से हम लोग को नेमिंग शुरू करनी है। उसके बाद अगला जो स्टेप होता है वो होता है अरेंज साइड चेन्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, यानी हमें साइड चेन्स को और जो हमारे जो लेस प्रायोरिटी वाले फंक्शनल ग्रुप है उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना होता है नेमिंग के लिए। तो ये हो गए हमारे कुछ फंडे जो आपने मैंने साइड में लिख दिए हैं। अब हम लोग चलिए शुरू करते हैं एक एक करके नेमिंग देना। तो ए है जो हमारा वो है, और ये स्ट्रक्चर है, एक बेंजीन रिंग कार्बन चेन से जुड़ी हुई है। तो चलिए अब हम इसकी नेमिंग शुरू करें। तो हमारे पास एक बेंजीन रिंग लगी हुई है एक कार्बन चेन के साथ। तो इसमें जब भी कार्बन चेन के साथ बेंजीन रिंग लगाते हैं तो बेंजीन रिंग हमेशा साइड चेन का काम करती है, और हमें सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन फाइंड करना। तो एक ही कार्बन चेन है वही लॉन्गेस्ट हो जाएगी, ये वाली हमारी। अब हमें नेमिंग जो है शुरू कर देंगे, क्योंकि हमारे पास साइड चेन है और कोई फंक्शनल ग्रुप है नहीं, तो यहां से ही नेमिंग शुरू करेंगे, क्योंकि यहां पर साइड चेन में पहले मिल रहा है। तो यहां से लगाए तो ये 1, 2, 3, 4, 1 पे हमें साइड चेन मिल रहा है, इसलिए 1 से इधर से हमने शुरू किया है हमारे राइट हैंड साइड से। तो इसका नाम बनेगा 1 पे फिनाइल लगाए। बेंजीन रिंग जब भी साइड चेन में होता है फिनाइल कहते हैं, तो इसका नाम होगा 1-फिनाइल-ब्यूटेन। तो चलिए अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पार्ट है हमारा ये दिया हुआ है, ये हमारा बी पार्ट। तो इसमें हम लोग पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन फाइंड करेंगे। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में ध्यान दीजिएगा, ये वाला कार्बन जो हमारा साइनो ग्रुप वाला ये भी इंक्लूड होगा। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगी 1, 2, 3, 4, 5, ये वाली हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगी। और क्योंकि हमें यहीं पे फंक्शनल ग्रुप में मिल रहा है, इसलिए नंबरिंग यहीं से शुरू करेंगे, 1, 2, 3, 4 एंड 5। 3 पे एक साइड चेन मिल रही है मिथाइल, और 1 से नंबरिंग शुरू करेंगे तो इसका नाम होगा 3-methyl-pentane-nitrile। जब भी सी एन ग्रुप लगता है तो जो सफिक्स है वो नाइट्राइल लगता है, 3-methyl-pentane-nitrile। तो ये हमारा हो गया बी पार्ट। अब चलिए शुरू करते हैं आगे सी पार्ट की तरफ। तो सी पार्ट का हमें स्ट्रक्चर बनाना है। सी पार्ट है हमारा, इसका इससे स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। ये कुछ इस प्रकार से, ये हमारा सी पार्ट। ये तो सबसे सिंपल केस हो गया, इसमें सिर्फ हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन फाइंड करनी है और साइड चेन्स आइडेंटिफाई करनी है।
तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगी हमारी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इधर से मिल रहा है, और कोई गिन ले तो 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे भी मिल रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और कोई कार्बन हमारी लॉन्गेस्ट नहीं है, तो लॉन्गेस्ट होगी ये वाली जिसमें हमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कार्बन मिल रहा है। तो नंबरिंग यहां से, अगर यहां से शुरू करेंगे तो 1, 2, 3 पर साइड चेन है, यहां से शुरू करेंगे तो 1, 2 पर साइड चेन है, तो इस साइड से नंबरिंग शुरू करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, तो इसका नाम होगा 2, 3 डाइमिथाइल, क्योंकि दो मिथाइल ग्रुप थे, और माफ कीजिएगा 2, ये 5 लिखा है, मैं कंफ्यूज हो गया, 2, 5 डाइमिथाइल हेप्टेन इसका नाम होगा, 2, 5 डाइमिथाइल हेप्टेन नाम होगा इसका। अब चलिए अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, अगला पार्ट है हमारा डी पार्ट, तो डी पार्ट का स्ट्रक्चर बनाएंगे, डी पार्ट है ClBr, ये हमारा डी पार्ट। इसकी नेमिंग क्या करनी है, इसमें तो कार्बन तो एक सीधी लाइन मरी है, तो कार्बन गिन लेंगे हम लोग, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सात कार्बन है, लॉन्गेस्ट चेन भी हमारी यही वाली होगी एकमात्र, लेकिन अब नंबरिंग जो होगी वो चर्चा का विषय है, तो नंबरिंग जो होगी हमारी वो यहां से शुरू करेंगे रीजन, यहां से हमें 1, 2, 3 पर फंक्शनल ग्रुप मिल जाएंगे, जबकि इस साइड से काफी 1, 2, 3, 4, 5 पे मिलते हैं, तो नंबरिंग यहां से शुरू करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, तो इसका नाम होगा। अब हमें क्या है कि एक ही पोजीशन पे दो फंक्शनल ग्रुप हैं, इसलिए उनको हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर पर अरेंज करना है, तो सबसे पहले लिखेंगे 3-bromo, फिर लिखेंगे 3-chloro क्योंकि बी पहले आता है, और कुछ है नहीं, तो 7 कार्बन के लिए एल्केन होता है हेप्टेन, तो ये हो गया हमारा डी पार्ट। अब अपना फाइनल और आखिरी पार्ट जो है ई पार्ट, उसकी बात कर लेंगे, तो उसका स्ट्रक्चर है, ई पार्ट का स्ट्रक्चर बनाए, डबल बॉन्ड ओ है, एच और यहां पर सीएल, ये हमारा डी पार्ट है। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो ऑब्वियसली यही वाली होगी क्योंकि एक ही कार्बन चेन है ये, और यहां से हमें अपना फंक्शनल ग्रुप जो है एल्डिहाइडिक ग्रुप वो पास मिल रहा है, इसलिए यहां से शुरू करेंगे 1, 2, 3 और इसका नाम होगा, क्योंकि ये तो मेन, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है और मेन चेन का हिस्सा है, तो ये हमारा साइड चेन में आएगा, साइड ऐसे हम लोग साइड चेन की तरह एक्ट करेगा इसमें, तो इसका नाम होगा 3-chloro-propanol, क्योंकि 3 कार्बन वाला प्रोपेन और अल लग जाएगा एल्डिहाइड के लिए, 3-chloro-propanol इसका सही नाम है, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। सबकी आईपीएससी नेम लिख दिए हैं, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।